हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस यूट्यूब चैनल वंस अगेन विच इज़ एम जे एविएशन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो टुडे आई एम गोना टॉक अबाउट मोस्ट फ्रीक्वेंटली क्वेश्चंस विच इज़ व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। आई वांट प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। आई एम गोना टेल यू द बेस्ट आंसर विच विल बी वेरी वेरी एसेंशियल फॉर यू। एंड एज यू ऑल नो दैट इंटरव्यूज आर गोइंग ऑन, लॉट्स ऑफ पीपल गॉट सेलेक्टेड एज अ ग्राउंड स्टाफ इन स्पाइस जेट एज वेल एज इंडिगो एयरलाइंस फॉर डिफरेंट प्लेसेज। I want please watch this video till the end and I'm going to tell you the weakness as well that you have to say in front of recruiter when they ask how you overcome this. So I'm going to give you this answer as well. So please watch this video till the end. So before the video start, request hai ki please subscribe kariye aur bell icon ko bhi press kar lijiye further update ke liye. And jo new hain unse bhi request hogi please subscribe kar lijiye taki main bahut sari videos upload karu and aapko notifications bhi jaldi mil jaye. So I was getting lots of comment and DM regarding this question, क्योंकि कभी कभी होता है कि स्ट्रेंथ आपसे पूछते हैं एंड वीकनेस आपसे पूछते हैं। ये दो क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा एसेंशियल होते हैं जो कि इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। बट येस, स्ट्रेंथ को आपको इस तरीके से बताना है, देन वीकनेस आपके कैसे बताना है, क्योंकि कभी कभी होता है हम इस क्वेश्चन में स्टक हो जाते हैं जब हमसे रिक्रूटर ही क्वेश्चन पूछते हैं। अगर आप स्ट्रेंथ बताते हैं तो वीकनेस में भी कन्वर्ट हो सकती है, दैट वीकनेस को किस तरीके से आप बताएंगे कि हम ओवरकम कर रहे हैं। तो आई एम गोना गिव यू द आंसर एज वेल। So this is very common question that the candidate can expect in the interview. Most of the time it will be happened ki last tak interview acha jata hai, but when it comes to this question bahut generally ye question aapse pucha ja sakta hai. Last tak interview sahi jane ke baad mein jab ye question ka bari aati hai, agar wo poochte hain, then hamesha ye hota hai ki is question ke answer par stuck hokar candidate ko reject kar diya jata hai. To aap last tak is video ko dekhiyega. You know, most of the time it will be happened with you because I got a lots of DM in my Instagram account which is MZ Aviation कि जब भी आप स्ट्रेंथ के बारे में बात करते हैं, जब भी वो आपसे क्वेश्चन पूछते हैं, दैन नेक्स्ट क्वेश्चन वुड बी एक्जैक्टली द सेम दैट आई हैव मेंशनड हियर विच इज़ कैन यू मेंशन एन इंसिडेंट और एन एक्टिविटी वेयर यू यूज्ड योर स्ट्रेंथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही होता है अगर आप स्ट्रेंथ के बारे में बताएंगे कि हमारी स्ट्रेंथ है। अगर आप स्ट्रेंथ को एक ही वर्ड में कन्वर्ट करते हैं, दैन दे विल डेफिनेटली आस्क यू कि मेंशन करिए कोई भी इंसिडेंट या फिर कुछ भी एक्टिविटी या फिर कोई पास्ट एक्सपीरियंस। तो बट वट विल बी हैपन एट द सेम टाइम, then most candidate would go blank, their mind would refuse to act. How to deal with, आपको ये नहीं पता होता है, आपने स्ट्रेंथ तो बता दिया होता है, देन आपको ये नहीं पता होता है कि किस तरीके से आप उसको मैंशन करेंगे। सो देर फॉर आई एम गोना गिव यू द आंसर एज वेल हियर। ओके, नाउ वैन वी टॉक अबाउट वीकनेस आर ऑफन आंसर्ड एज ब्लेसिंग एंड डिस्कस गिव द हिडन बेनिफिट्स लाइक, जैसे कि वीकनेस की बात आती है कि बहुत सारी ऐसी वीकनेस होती हैं जो हमें कुछ इस तरीके से नहीं बोले हैं कि हमारी कंपनी के ऊपर ही वो इफेक्ट करे, क्योंकि जो इंटरव्यूअर हैं वो ऑलरेडी दे आर इंटरव्यूअर, बहुत सारे कैंडिडेट्स के उन्होंने इंटरव्यू लिए हैं एंड बहुत सारे कैंडिडेट्स वो सिलेक्ट करते हैं। फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आपको ऑनेस्ट रहना है, बट नॉट सो ऑनेस्ट टू मेंशन एन एसेंशियल स्किल एज योर मेन वीकनेस। ओके, कुछ इस तरीके से आंसर नहीं देना है कि आपकी वीकनेस आपके ऊपर ही भारी पड़ जाए। सो डोंट बी टू प्रिपेयर्ड, इट विल कम अक्रॉस एज रिहर्स्ड। इतना भी प्रिपेयर ना करें कि वो रिहर्सल यानी कि ऐसा रहे कि आपने रट्टा मारा है। सो प्रैक्टिस योर चूजन स्ट्रेंथ एंड वीकनेस इनफ टू नो वट दे आर एंड हाउ टू पॉजिटिवली स्पिन द वीकनेस, बट डोंट ओवर रिहर्स। आपको इतना मतलब प्रिपेयर एग्जैक्टली प्रिपेयर होकर आप इंटरव्यू के लिए जाएंगे, बट व्हेन इट कम्स टू वीकनेस एंड स्ट्रेंथ इतना भी प्रिपेयर नहीं करना है क्योंकि रिक्रूटर को पता चल जाए कि आपने रट्टा मारा है। ओके, सो नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू हाउ टू गिव द बेस्ट आंसर। द इंटरव्यूअर इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड आर यू फिट फॉर दिस जॉब रोल। जो भी जॉब वैकेंसी या फिर जो भी पोस्ट के लिए आप जाएंगे, तो वो ये जानना चाहते हैं कि आप इस जॉब रोल के लिए फिट हैं या नहीं है। योर स्ट्रेंथ शुड बी द स्ट्रेंथ रिक्वायर्ड फॉर दिस जॉब रोल। जब भी अगर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप सब कुछ अच्छे से सर्च करके पहले जाएँ। वाइल वैन वी टॉक अबाउट योर वीकनेस, लेट द इंटरव्यूअर नो वट यू आर डूइंग टू ओवरकम दैन। अगर वो आपसे पूछते हैं दैट आपकी वीकनेस क्या है, दैन दे शुड वॉन्ट टू नो कि आप उसको ओवरकम करने के लिए क्या कर रहे हैं। सो टू आंसर दिस क्वेश्चन यू कैन से लाइक दिस, आई एम अ गुड कम्युनिकेटर। येस, वैन इट कम्स टू कम्युनिकेशन स्किल्स इट विल बी रियली रियली नेसेसरी फॉर यू व्हेन बिफोर गोइंग फॉर एयरलाइन इंटरव्यू। आपको पता होना चाहिए कि कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत नेसेसरी हैं अगर आप एयरलाइंस के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, बिकॉज वहाँ पर आपको डिफरेंट डिफरेंट जगह के कस्टमर्स मिलेंगे जो कि कम्युनिकेशन में ही आपसे बात करना प्रेफर करेंगे। सो आई एम अ गुड कम्युनिकेटर एंड आई इंजोर दैट आई अंडरस्टैंड द पैसेंजर रिक्वायरमेंट्स एंड आई इन्जॉय टेकिंग न्यू चैलेंजेस एज इट गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू लर्न एंड ग्रो। ओके, सो ये हो गया आपकी स्ट्रेंथ। दैन इफ़ यू हैव एनी नोटबुक एंड पेन प्लीज राइट इट डाउन। अगर आप राइट नहीं करेंगे दैन आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिए तो आप इसको अपने इसको राइट भी कर सकते हैं, लाइक आप इसको याद भी कर सकते हैं।
So as far as my weakness is concerned, I give a lot of attention to detail, which at times take a bit more time to complete a task. Okay, ये तो हो गई आपकी weakness. Then if they'll ask you that how you overcome this your weakness, then you can say, to overcome this, I am giving myself a deadline to ensure that the work is done on time without compromising on quality. Okay, so I hope this answer will be really, really useful for you, because just because of this answer, lots of people got selected and I got a comment and yes, DM as well on my Instagram account. So, आप उसको भी follow कर सकते हैं, and if you have any query, आप वहाँ मेरे को message कर सकते हैं, I'll definitely give you reply on time. So, yeah, ये आपका answer हो गया about strength and weakness. तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी एंड इट विल बी रियली, अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम आती है देन आप कमेंट कर सकते हैं, और प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड इफ़ समवन इज़ गोइंग फॉर द इंटरव्यू उनको भी हेल्प हो जाएगी, तो आप शेयर कीजिएगा, लाइक एंड कमेंट्स कीजिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द अपकमिंग अपडेट. थैंक यू.